बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमर शाह, कोऑर्डिनेटर हूँ हूरा टीवी से। हूरा टीवी जो है वो क्यों बना, उसके पीछे वजूहात क्या थी, आज हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली एज अ कोऑर्डिनेटर मुझसे बहुत ज़्यादा बच्चों के वालदैन के ये सवाल होते हैं कि हूरा टीवी क्या है, किस तरह काम कर रहा है, इसके अवेयरनेस पे, आउटरीच पे हम जो काम कर रहे हैं। मैं आज उसका मकसद जो आपके सामने बयान करूँगा। हूरा जो है वो पाकिस्तान का पहला किड्स सेटेलाइट चैनल जो कि बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ पे, एथिकल वैल्यूज़ पे काम कर रहा है। हूरा टीवी का मकसद एक बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता कंटेंट जो है हमारी कौम को देना है। हूरा टीवी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हूरा टीवी के बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है ना टॉप रेटिंग में जा रहे हैं। हमें ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा चैनल जो हूरा टीवी है वो हर घर में देखा जा रहा है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारी जो है वो ट्रांसमिशन चल रही हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बहाम होता है कि शायद ये एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मुकम्मल पैमरा लसांस्ड सैटेलाइट चैनल है। आप इसको डिश पे, आप इसको सैटेलाइट टीवी पे, आप इसको केबल टीवी पे, आप इसको PTCL पे, आप इसको स्मार्ट टीवी पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे, टिकटॉक पे, उसके अलावा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और इसके साथ आप हूरा टीवी की जो ऐप है, हूरा टीवी के नाम से है, उसको डाउनलोड करके आप हमारी लाइव ट्रांसमिशंस जो हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारे कौन कौन से प्रोग्राम हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारा जो टॉप रेटेड प्रोग्राम है जिसमें बच्चे अपियर हो सकते हैं वो है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम क्या है, स्टोरी टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी टाइम में क्या क्या कुछ होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। स्टोरी टाइम जो हमारा प्रोग्राम है, स्टोरी टाइम में 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें बेबी गर्ल भी आ सकती है, बेबी बॉय भी आ सकता है, यानी कि बच्चियां बच्चे इसमें कोई जो है वो नहीं है। पॉलिसी जो है वो मैं आगे जाके शेयर करूँगा कि हमारी पॉलिसी क्या है इस बारे में, लेकिन स्टोरी टाइम की अभी हम बात करें तो स्टोरी टाइम हमारा एक तरबीती कहानी का जो है वो प्रोग्राम है, जिसमें हमारा एक पपिट होता है साथ, बबलू, जो कि अपने अंदाज में बच्चों को जो एंटरटेन करता है। इसका थीम जो है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो हमारी होस्ट हैं वो बच्चों से जो है वो सलाम दुआ करती हैं, बच्चों से हाल चाल पूछती हैं, बच्चों का नाम पूछती हैं, बच्चों की उम्र पूछती हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा जो बबलू है पपट, उसको जो है वो थोड़ा सा जगाती हैं। बबलू जो है वो अपने अंदाज में बच्चों को हंसाता है, और इसी तरीके से थोड़ा सा ये सेगमेंट हमारा चलता है। उसके बाद जो है हमारी जो होस्ट हैं वो बच्चों के एक इखलाकी मॉरल वैल्यूज़ की कोई भी कहानी सुनाती हैं जिसको बच्चे गौर से सुनते हैं, और एंड पे बच्चों से जो है वो उसका सबक पूछा जाता है कि आज की कहानी में हमने क्या सबक सीखा। तो बच्चे बताते हैं कि आज हमने सीखा कि हमें वालदेन को तंग नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इसी दौरान जो हमारा पपेट बबलू है वो अपने अंदाज में बच्चों को फिर से एंटरटेन करता है ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़े से खुश भी हो जाएं, और बच्चे जो हैं वो क्रॉस टॉक भी करते हैं पपेट के साथ, जिससे बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ग्रो करता है। इसी तरीके से आगे फिर हमारा एक बूझो तो जाने, मतलब क्वेश्चन क्विज जो है वो सेगमेंट होता है, जिसमें बेसिक बच्चों की उम्र के हिसाब से हमने कुछ सवाल रखे होते हैं, ये भी बच्चों का कॉन्फिडेंस ग्रोथ देने के लिए होता है। इसके अलावा हमारा आर्ट प्लानट एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चे बच्चियाँ जो आर्ट से जो है वो शगफ रखती हैं वो हमारे इस आर्ट प्लानट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो स्टोरी टाइम प्रोग्राम है ये मुकम्मल होता है। इसकी रिकॉर्डिंग टाइमिंग जो है वो मिनिमम जो है वो 3 घंटे रिक्वायर होते हैं बच्चे के। वालदेन जो है बच्चों को खुद लेके आते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि आपने बच्चों का नाम और बच्चों की उम्र जो है, ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है इसके ऊपर आपने भेजना है, और इसी नंबर के ऊपर जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन डन होगी, और इसी नंबर के ऊपर जो है वो आपको बताया जाएगा, लिहाजा ये वाला जो नंबर है वो आप अपने पास सेव कर लें। इसी तरीके से हमारा एक जो अभी रमज़ान चूँकि चल रहा है, और रमज़ान में हमारा प्रोग्राम चल रहा है माहे ज़ियाफ़त के नाम से, जिसमें हमने अफ्तार सेगमेंट जो है वो बड़ा स्पेशल करके जो है इसमें ऐड किया है। अफ्तार जो सेगमेंट है हमारा या माहे ज़ियाफ़त जो प्रोग्राम है उसमें हमारे जो बच्चों की एज रिक्वायर्ड है वो है 8 साल से लेकर 12 साल तक। 8 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं तो आप हमारे रमज़ान की जो रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं माहे ज़ियाफ़त, उसमें हिस्सा ले सकते हैं।
और अगर आपके घर में 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे हैं तो आप उनकी भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है जहां पे बच्चों की जो है वो ग्रोथ हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ग्रोथ हो जाए, बच्चे कुछ सीख सकें। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों की तरबियत के हवाले से काम कर रहे हैं। हम जो है बच्चों की जो नशो नमा है, बच्चों को एथिकल कंटेंट दे रहे हैं। बेसिकली ये है कि एंटरटेनमेंट को और एथिक्स को एक साथ मिला के बच्चों के सामने पेश करना ये बड़ा मुश्किल काम था, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जो है ये चैनल जो है ये हूरा टीवी के जो कोऑर्डिनेटर हैं उमर शाह, यानी कि मैं, मेरी तरफ से ये ऑफिशियल जितनी भी अनाउंसमेंट हुआ करेगी वो इस चैनल पे हुआ करेगी। आपको तमाम अपडेट्स इसी चैनल पे मिला करेंगी, कब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या टाइमिंग है, किस तरह है, क्या पॉलिसी है, इसी तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट मिलती रहे और आप अपने बच्चों को रजिस्टर करवाते रहें, आपके बच्चे हमारी स्क्रीन पर आते रहें और आपके बच्चों की कॉन्फिडेंस ग्रोथ होती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। उमर शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबाद।